स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 58 पर, चैप्टर नंबर 11, मैटर एंड मटेरियल। बस जिसकी तरह से राज, आप अपना माइक म्यूट करिए बेटा, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। एवरी डे वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम लोग हमेशा देखते हैं हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें होती हैं। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मेनी अदर थिंग्स। और वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग होती हैं, साइज में, शेप में और कई तरीकों से अलग होती हैं। बट देर आर सम कॉमन फीचर्स दैट आर शेयर्ड बाय ऑल थिंग्स। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं जो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा सेम होता है। जैसे थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। हमारे आसपास जितनी चीजों की हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बनी होती हैं। सम कॉमन मटीरियल्स यूज टू मेक थिंग्स आर मेटल, वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, क्ले, ग्लास, सैंड एंड पेपर। तो जो आसपास की चीजों की जिनकी बात हम कर रहे हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? मेटल से, वुड से, प्लास्टिक से, क्लोथ से, कपड़े से, क्ले यानी मिट्टी से, ग्लास से, सैंड से एंड पेपर से। ये सारे मटेरियल से मिलकर चीजें बनी होती हैं। एनीथिंग विच हैज मेड मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये चैप्टर हो चुका था ना सव्या? नो मैम। अच्छा, तो जो भी चीज होती है, कोई भी ऐसी मैटर वो होता है जो स्पेस घेरता है, जिसने जगह की, कोई जगह स्पेस को घेरा हो। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। जो भी चीजें हमारे आसपास है, जैसे एयर, वाटर, ये सब कुछ पदार्थ में आता है, मैटर में आता है। मैटर इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैटर में निर्जीव वस्तुएं भी आती हैं और जीवित वस्तुएं भी आती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है। स्टेट्स यानी कि मैटर के स्टेट्स कितने हैं। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स। मैटर तीन स्टेट्स में होता है, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंट मटीरियल्स आर ग्राउंडेड, सॉरी ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज। और इनको इनके क्वालिटीज के बेसिस पर अलग अलग किया जाता है। जैसे सॉलिड, सॉलिड से आपको पता चल गया होगा, सॉलिड क्या होता है? जो ठोस चीजें होती है ना, कड़क चीजों को सॉलिड कहा जाता है। तो एनीथिंग दैट हैज फिक्स्ड शेप, शेप एंड साइज इज कॉल्ड अ सॉलिड। कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक शेप में फिक्स हो और उसका साइज भी सेम हो, वो चेंज चेंजेबल नहीं है, तो बहुत मतलब हार्ड हो, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। इट कैन नाइदर चेंज इन इट्स शेप नॉर कैन फ्लो। इसको जब तक आप खुद से इसका शेप चेंज जबरदस्ती नहीं करेंगे, तब तक इसका शेप चेंज नहीं होगा ठोस का, और ये अपने आप कभी भी अपना शेप, साइज कुछ भी चेंज नहीं करता है, ना ही तो फ्लो करता है, ना ही तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। टेबल, चेयर, पेंसिल, फ्लोर एक्सेट्रा आर द सॉलिड। टेबल, चेयर, पेंसिल, जमीन, ये सारी चीजें क्या है? ठोस में आती है, सॉलिड में आती है। लिक्विड क्या है? लिक्विड आपको पता है, जो हम पानी पीते हैं वो लिक्विड होता है। तो सारी लिक्विड चीजें, जैसे एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज एंड कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड अ लिक्विड। कोई भी ऐसी चीज जो जिसका शेप और साइज बदलता रहता है, फ्लो होती रहती है, वो क्या कहलाती है? लिक्विड कहलाती है। वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल एक्सेट्रा आर ऑल लिक्विड। ये सारी चीजें क्या है? लिक्विड। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट साइज एंड दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट इन। इनका साइज एकदम वो डेफिनेट नहीं होता है, चेंजेबल होता है। इनको आप किसी भी साइज और शाइप साइज के बर्तन में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसी के आकार का हो जाएगा।
दे कैन बी पोर्ड एंड स्पिल्ट वाइल अ सॉलिड कैन नॉट। आप पानी को पोर कर सकते हैं, उड़ेल सकते हैं या कहीं पर भी फैला सकते हैं, लेकिन जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अब गैस, गैस के बारे में आपको पता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ये सारी गैसेस ही तो है ना, और जिससे हमारे घर में खाना बनता है वो सारी गैसेस है। तो अ गैस इज अ मैटर दैट हैज नो शेप और साइज। अब गैस का तो कोई भी शेप साइज नहीं होता है, इट फिल्स ऑल अवेलेबल शेप, वो हर शेप में फिल हो जाता है। गैसेस कैन नॉट बी सीन, वी कैन फील देम एंड इवन स्मेल सम ऑफ देम। गैसेस को आपको पता है हम लोग देख नहीं सकते, जैसे अभी हमारे आसपास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते ना, तो गैसेस को हम नहीं देख सकते और ये हर जगह पर हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको हम स्मेल करके भी फील कर सकते हैं। आर एटमोसफेयर इज ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। हमारा पूरा जो वातावरण है वो तरह तरह की गैसेस से मिलकर बना है। चेंज ऑफ स्टेट, अब पदार्थ को की अवस्था को चेंज कैसे करते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि जो आइस होता है, आइस को हम किस में काउंट करेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, बताइए। वेरी मैम आइस गुड, आइस जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन अगर हम आइस को गर्म कर दें तो वो क्या बन जाएगा, को मैम सॉलिड में, सर मैम गैस गैस बन जाएगा ना गर्म करने। अगर आप देखेंगे आप पानी को बहुत ज्यादा देर तक बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर से जो गैस निकलती है वो क्या रहता है, वो वाटर ही तो रहता है ना, जो गैस के रूप में चला जाता है। फिर जाएगा। अगर हम आइस को ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा। तो इसी तरह जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उसका जो स्टेट है वो चेंज होता रहता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हो गया। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब आइस जो है वो लिक्विड बनता है तो क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को, मेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड वाटर इनटू सॉलिड आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और लिक्विड वाटर जो होता है, जब वो आइस बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड वाटर इनटू गैस स्टीम इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी को बहुत ज्यादा बॉयल कर देते हैं, बच्चों किसकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट योर माइक प्लीज। अगर पानी को हम बॉयल करते हैं और उसका जो गैस की तरह वो निकल जाता है, उड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो हर चेंजिंग ऑफ मैटर की जो प्रक्रिया होती है उसका एक नाम है, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज अ गैस इनटू लिक्विड वाटर। जब गैस लिक्विड बनता है, जैसे जो बारिश का जो प्रोसेस होता है, यहाँ से गर्म जो पानी रहता है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा वो नीचे आता है। तो गैस से फिर वापस जब लिक्विड बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरल आपको पता है प्राकृतिक, जो कि प्रकृति ने हमें दिया है, मैन मेड यानी कि जो हम इंसान खुद बनाते हैं। तो मटेरियल्स लाइक मेटल, वुड, सैंड एंड क्ले आर फाउंड इन नेचर। कौन कौन से मटेरियल, मेटल, वुड, सैंड एंड क्ले, ये सारे जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। पीपल एंड मशीन्स हैव नॉट मेड नेचुरल मटेरियल्स। इंसान जो है, इंसान और मशीन मिलकर भी नेचुरल मटेरियल्स नहीं बना सकते, नेचुरल मटेरियल सिर्फ नेचर के थ्रू ही बनता है। मटेरियल्स लाइक गैस, प्लास्टिक एंड पेपर आर मेड बाय पीपल और मशीन। कौन कौन सी चीजें इंसान बनाता है, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ये सारी चीजें। दीज मटेरियल्स आर नॉट नेचुरल, ये इनको नेचुरल नहीं कहा जाएगा, प्राकृतिक नहीं कहा जाएगा। दे आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड और मैन मेड मटेरियल्स। इनको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर्ड कहेंगे या फिर मैन मेड, मानव निर्मित संसाधन। मैन मेड मटेरियल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये हमें प्रकृति में नहीं मिलता।
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब मटेरियल्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टेल अस समथिंग अबाउट इट. जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, वो हमें कुछ बताती है. क्या बताती है? कलर, शेप, साइज एक्सेट्रा. जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें, उसमें हमें कलर दिखाई देता है, शेप दिखाई देता है और साइज दिखाई देता है. एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स में डिफरेंट मटीरियल्स में हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस एक्सेट्रा. तरह तरह के जो मटीरियल्स होते हैं उनके तरह तरह के शेप होते हैं, साइज होते हैं, है ना. ऑल द मटीरियल्स इन द वर्ल्ड हैव टू कॉमन प्रॉपर्टीज. पूरे दुनिया में, संसार में जितने मटीरियल्स हैं उनमें दो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं. कौन कौन सी? ऑल मटीरियल्स हैव वेट. जितने भी मटेरियल है उनका एक भार होता है, वेट होता है. दे टेक अप स्पेस. और वो क्या करती हैं? जगह घेरती हैं, स्पेस को घेरती हैं. अ बुक ऑक्यूपाइज स्पेस ऑन योर डेस्क. आपने देखा होगा, अब ये बुक है, इसको हम अगर इसे डेस्क पर रख देंगे तो जो उतना एरिया है, जितनी बड़ी बुक है, वो उस स्पेस को घेर लेगा ना, तो ये इसका प्रॉपर्टी है. ऑल दी अदर things around you also take up space. और भी जो बहुत सारी चीजें हैं वो स्पेस को घेरती है, है ना. तो आपका ये जो चैप्टर है यहीं से एंड होता है. अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. साबिया, अनन्या, यस मैम. व्हाट इज मेल्टिंग मैम? सॉलिड फॉर्म. मैम जब सॉलिड फॉर्म लिक्विड में बदल जाता है उसे मेल्टिंग कहते हैं. हाँ, सॉलिड को जब लिक्विड में बदलता है, जैसे जो आइस होती है जब वो मेल्ट होती है, तो उसको जब वो लिक्विड बनती है तो वो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है. आपने देखा होगा जो हम लोग वैक्स जलाते हैं ना, मोमबत्ती जब हम लोग जलाते हैं, तो मोमबत्ती जो रहती है वो कैसी रहती है? हार्ड रहती है ना, ठोस रहती है. लेकिन जब उसको जला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैम लिक्विड बन जाता है. लिक्विड बनता रहता है ना, नीचे लिक्विड की तरह वो गिरता रहता है. तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या है? मैम जब गैस नॉन लिक्विड में बदलता है उसे यही कहते हैं. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. जब गैस जब जाती है ऊपर आसमान में, बारिश कैसे होती है? हमने बताया ना अभी आपको, इवेपोरेशन के थ्रू जो हॉट जो एयर होती है वो ऊपर जाती है, फिर वो बारिश के थ्रू जब नीचे आती है लिक्विड बनकर, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है ना, गैस जब लिक्विड बनती है. आप बताइए, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड. लिक्विड में लिक्विड बनना, सॉरी, सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग मैम, मेल्टिंग. पीपल यूज व्हाट मटेरियल्स टू मेक ऑब्जेक्ट? कैसे मटेरियल चाहिए जिनसे ऑब्जेक्ट बनेगा? हाँ, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी सीन बट कैन फेल्ट? एयर, मिल्क, एप्पल. हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं. क्या है? एयर. एयर. मटेरियल्स लाइक मेटल, वुड, सैंड एंड क्ले आर फाउंड इन. कहाँ मिलेगा ये? नेचर में, होम में या सॉइल में? नेचर में. मेटल, वुड, सैंड एंड क्ले, ये सारा हमें नेचर से प्रोवाइड होता है. आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया बच्चों? यस मैम. मैटर एंड मटेरियल. यस मैम. ओके.